हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है हसन और मेरे साथ है उमेर। और जैसा कि आपको पता है कि ईद उल फितर का जो है वो आज तीसरा दिन है, तो आज हम आए हैं जी अपनी ईद को और मीठा करने। और हमने सोचा क्यों ना जो है वो हम ईद जो है वो और मीठी की जाए। हाय 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 हाय, मजेदार बनाएंगे हम अपनी ईद को। हाँ जी, तो आज का हमारा जो व्लॉग है वो है जी मीठा मीठा। और हमने सोचा है कि लाहौर के डिफरेंट रेस्टोरेंट में जाया जाए और वहां से मोल्टन लावा ट्राई किया जाए। मैं बाजार खुद जो है वो बजाते खुद मीठे का बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। मीठे का शौकीन तो देखें हर कोई होता है। हाँ। और मीठा जो चस कराता है ना, मैं कहता हूँ वो कोई चीज भी नहीं कराता। हाँ। लावा हम डिफरेंट, लेकिन बात ये है कि डिफरेंट मॉडल लावा तो हम ट्राई करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही लाहौर के बेस्ट मॉडल। हाँ। है, लेकिन बताते खुद हमें जो पसंद है हम वो फिलहाल ट्राई करें और उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस। और अगर आपको लग रहा है कि हमारी वीडियो जो है वो थोड़ी सी हिल रही है, तो ये उमेर साहब की ड्राइविंग माशाल्लाह कुछ इस तरह की है। इनका इसी वजह से चलती भी गाड़ी हिलती है, कोई गाड़ी चली इसी वजह से इनका आज तक कभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो भाई है उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। लगे मुझे ड्राइविंग आती नहीं है, लेकिन मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। चले बाहर आगे पास तो ट्रैक्टर चलाने का भी लाइसेंस है, लेकिन ट्रैक्टर भी नहीं है। हाँ, एक खोता था हमारे पास, वो भाग गया है। वो हमने बेच दिया। तो आइए चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रब का वास्ता है। अगर तुम नो लीगल हो तन मियां साहब बाबू जी का वास्ता है। अगर आप पीटीए वाले हैं तो आपको खान साहब का वास्ता है। और अगर आप जियाले करो सब्सक्राइब, तो आपको वास्ता है जी बिलावल भुट्टो साहब का। हाँ जी, सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करो ते मजे मजे की वीडियो वेखो। आइए चलते हैं। जी तो अभी हम ट्राई करेंगे जी बटलर्स का मॉडल लावा, और साथ है जी आइसक्रीम का जो स्कूप साथ दिया जाता है। तो इनका अगर आप देखेंगे तो इनका जो मॉडल लावा है, ये जो नॉर्मली मॉडल लावा दिया जाता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मैश्ड करके जो है इन्होंने इसको, जो एक लावा है यूजली जिस तरह मॉडल लावा खाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है इसका। लेकिन बटलर्स का क्योंकि नाम है चॉकलेट के अंदर और डेजर्ट्स के अंदर, सो दैट्स वाई हमने सोचा कि सबसे पहले जो है वो यहाँ से मोल्टन लावा टेस्ट करना चाहिए। लावा के अंदर उन्होंने चॉकलेट्स और जो चॉकलेट का लावा जो है यूज़ किया है, ये इनका अपना स्पेशल है, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट जो है टेस्ट देगा। और डेफिनेटली बीइंग अ मीठा लवर जो कहना चाहिए, मैं तो डेफिनेटली इसको पहले इस तरह ट्राई करूँगा। मजेदार, ये है एक आइसक्रीम स्कूप। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल फ्रेश जो है इन्होंने अभी बनाया ये। और आइसक्रीम के साथ अगर आप टेस्ट करेंगे, अगर आप आइसक्रीम के साथ टेस्ट करने के शौकीन हैं तो वो भी कर लें। मैं क्योंकि चॉकलेट लवर हूँ तो मैं तो इसको ऐसे ही टेस्ट करूँगा और ऐसे ही खाऊँगा, क्योंकि मुझे ऐसा ये पसंद है। अभी फ्रेश इन्होंने बनाया है, बहुत ही ताज़ा चॉकलेट का जो है वो इसके अंदर फ्लेवर आ रहा है, मज़ा आ रहा है, और डेफिनेटली इट्स वर्थ इट। और आप भी ज़रूर ट्राई करें, और मेरे नज़दीक तो ये बेस्ट के अंदर सबसे अच्छा जो मोल्टन लवर, अगर आप ट्राई करना चाह रहे हैं और आप चॉकलेट लवर हैं, डेजर्ट लवर हैं, तो आप ज़रूर यहाँ से ट्राई करें बटलर्स कैफ़े। और मेरे नज़दीक ये वन ऑफ द बेस्ट लाहौर के अंदर जो मोल्टन लवर है। अगर आपको पसंद है किसी और जगह का तो डेफिनेटली हमें बताइएगा कि आपको कहाँ का पसंद है, और हम उसको भी ट्राई करेंगे और उसको रिव्यू करेंगे।
अब भी हम आए हैं अपना सेकंड मोल्टन लावा जो ट्राई करने, वो हमारे आर्केडियन। आर्केडियन का जो सा मोल्टन लावा है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह एक ट्रेडिशनल मोल्टन लावा होता है, सेम उस तरह है, जिसके अंदर इसमें जो इसका केक है उसमें लावा प्रॉपर जो सा ना ऐसा चॉकलेट जो सी वो निकलती है। बटर चॉकलेट मैंने इस बारे ट्राई किया, वो थोड़ा डिफरेंट था। उसमें चॉकलेट जो सी इस तरह बाहर नहीं आती, मैंने उसके अंदर उसको मैच किया होता है। तो इसकी ये चॉकलेट जो सी है इस तरह लावे की तरह बाहर स्क्वीज होती है और बाहर आती है। और टेस्ट में काफ़ी ये जो सा इसको ट्राई करते हैं किस तरह का है। वैसे मैंने पहले ट्राई किया हुआ, इसका टेस्ट भी आपको काफ़ी अच्छा है और पसंद भी है। तो लेट्स ट्राई बाइट ऑफ चॉकलेट मोल्टन लावा। बिल्कुल फ्रेश है केक, बहुत गर्म, बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड है, बहुत सॉफ्ट। इसकी चॉकलेट का फ्लेवर बहुत फ्रेश आ रहा है। आइसक्रीम इनकी थोड़ी मेल्ट हो रही है, लेकिन गर्मी है तो आप कह सकते हैं। और इनकी जो आइसक्रीम भी है ना, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हमें सर्व किया। इसके ऊपर अगर आपको नज़र आए तो बेरीज स्ट्रॉबेरी का जो एक पीस है उन्होंने वो डाला हुआ है, साथ इन्होंने चॉकलेट फ्री की है। और बीच में अगर आप देखें तो ये एक चॉकलेट का कप है, बेस है इसकी, जिसके उन्होंने आइसक्रीम को सर्व किया हुआ। तो टेस्ट वाइज बहुत आला है, बहुत मज़ेदार है। और आप भी आए और इसको ट्राई करें, हम तो यहाँ इसको ट्राई कर रहे हैं। टेस्ट वाइज इट बहुत अच्छा। तो प्राइस अगर आप इसकी बात करें तो ये उससे थोड़ा महंगा है, माइंड में थोड़ी रेस्टोरेंट की क्वालिटी बेहतर है, इसका एमबियन उससे ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप प्राइस की तरफ आए तो 900 प्लस टैक्स है ये, तो बिट कॉस्टली बट इन टेस्ट इज गुड। जी तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे द ब्रेसरी मॉल वन, और इससे पहले हमने ट्राई किया जी मोल्टन लावा आर्केडियन का, और उससे पहले हमने ट्राई किया था बटलर्स कैफ़े का। तो अभी तक जो है वो बटलर्स कैफ़े का जो मोल्टन लावा सबसे बेस्ट है, बहुत इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर 595 प्लस टैक्स। द ब्रेसरी मॉल वन के अंदर ये लोकेटेड है, उनका मोल्टन लावा आप ट्राई करें। एक वर्ड होता जी माउथ वाटरिंग, मैं इसको कहूँगा जी ये चॉकलेट वाटरिंग है। अब पता नहीं ऐसी कोई डिक्शनरी में वर्ड है कि नहीं है, लेकिन जैसे ये चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो रही है, सारा आइसक्रीम है ये, तो दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और ये अभी इसका अमेजिंग मीठे का जो शौकीन है वो ज़रूर ट्राई करें यहाँ से। और लेकिन अजरजाद इसी के साथ आज का हमारा व्लॉग अपने इख्तिताम पे पहुंचता है। थोड़ा सा हमने आज व्लॉग किया ये कुछ हल्का फुल्का मीठी इसके ऊपर मीठे का, इसके अंदर डिफरेंट जगह के मोल्टन लावा केक जो है वो ट्राई किए। हम गए, हमने बटर चॉकलेट का जो है वो मोल्टन लावा केक ट्राई किया, वो सबसे अच्छा था इन सब के अंदर, जिसको मैं 9.5 रेट करूँगा आउट ऑफ 10। बहुत डिफरेंट एंड यूनिक किस्म का उनका एक प्रेजेंटेशन स्टाइल था, और बनाने का तरीका भी डिफरेंट था, और वो सबसे बेस्ट था। उसके बाद हमने ट्राई किया आर्केडियन। आर्केडियन का जो मोल्टन लावा केक था वो ठीक था, लेकिन उसमें थोड़ा सा इशू ये था कि उन्होंने थोड़ा ओवर कोट कर दिया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जल गया। तो हम लास्ट में जो गए वो ब्रेसरी था। ब्रेसरी समथिंग यू कैन से इट्स एवरेज, इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर इस तरह का टेस्ट मिलता है। तो अगर हम ओवरऑल प्राइस को और बाकी चीज़ों को अगर देखें तो वो ठीक था। तो तब तक हम गोलगप्पे खाते हैं, तब तक आप जाएं हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आज के दिन हमारा जो रिकमेंडेड है लाहौर के अंदर मोल्टन लावा, वो है जी बटलर्स चॉकलेट कैफे। तो बटलर्स चॉकलेट कैफे जाएं और उनका मोल्टन लावा एंजॉय करें, जरूर खाएं, ट्राई करें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें, दुआओं के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह का वास्ता है आप लोगों को, इतनी मेहनत हम आप लोगों से करते हैं, तरले करते हैं और मिनते करते हैं, यार कर दिया करो सब्सक्राइब, थोड़ा सा हौसला सब्सक्राइब कर दो, हौसला अफजाई हो जाती है, हौसला अफजाई हो जाती है। और हमारा भी जो है वो
दिल रखा जाता है। तो अभी हमारा जो है वो गोलगप्पे आ गए हैं, इसी के साथ ये देखें हमारे स्पेक्सी से गोलगप्पे आ गए हैं। गोलगप्पे हैं, इसमें खट्टा है, मीठा है और आलू और चाट है। अभी अपना मुंह का जायका जो है वो हम ठीक करते हैं और अपना ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।